जलंधर च उस वेले हफड़ा दफड़ी मच गई जदों एक मॉल दे बाहर शरेआम गोलियां चल गईयां। बुधवार को जलंधर के मॉडल टाउन के नाल लगते चुनमुन मॉल के बाहर उस वक्त दफड़ा दफड़ी मच गई जदों उत्थे अचानक गोलियां की आवाज गूंज उठी। वारदात का मोबाइल के नाल बने एक वीडियो सामने आया है जिस विच एक शख्स भीड़ के विचाले एक दे बाद एक चार गोलियां फायर करता नजर आ रहा है। इस दौरान कोई जख्मी नहीं होया पर दहशत साफ देखी जा सकती है। गोलियां की आवाज सुनते ही लोग उत्थों भज खड़े हुए। फायरिंग करने वाला शख्स मौके पर मौजूद रहा जबकि दूजे गुट के लोग फरार हो गए। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग करने वाली शख्स नवदीप तो पूछगिछ की गई। इस दे नाल ही पुलिस ने गोलियां के खोल बरामद किए ने। नवदीप ने दसिया कि मामला पुरानी रंजिश के नाल जुड़िया होया है। उसने अपने बचाव विच फायरिंग की थी। मैं इतने बाहर आया जी, पहला तीन बंदे ने मेरे फायर किए हैं, ठीक है जी, फिर मेरे सिर पर कड़े मारे है, ठीक है, फिर मैं सेल्फ डिफेंस गोलियां भी मारियां, नाल ही सारे भज गए, अपनी डिफेंस जाके चार फायर किए, सारे भज गए भाई। उदो अंकित दीपक मुंडा हैगा, ठीक है, वो इतने काम करते हैं। लड़ाई बारे तो गल है कि मेरी गल्ला किसी के खिलाफ की है, मैं उन्होंने आगे कहा मैं की गल हुई है, मेरे बहस बजाया हो, मैं एक थप्पड़ मारिया इन्हें जो मुंडे सद ले जी, मुंडे सदे मेरे उन्होंने आंदे ही पहला मारे हैं, ठीक है, नाल फायर किया। मैं उत्थे ही पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची टीम का कहना है कि नवदीप ने लाइसेंसी पिस्तौल दे नाल फायरिंग की थी। बाकी जांच दे बाद पूरा मामला साफ हो पाएगा। मामला इन्हों का शक्की जापदा भी ये आपस पहले कोई इन्हें हैगी गड़बड़ चलती दो ग्रुपा की, वो इतने अज एक दूजे वेरीफाई करने वास्ते इतने आए जा, तो उस तो बाद आपस लड़ाई झगड़ा किया, जिन्होंने अज यह भी पता लगा फायर किए, बाकी तफ्तीश तो बाद पता लगी कि एक वैपन जरा लाइसेंसी वैपन है वो अही रिकवर किया, दूजे बंद बारे अ पता कर रहे हैं। झगड़ा इन्होंने कोई आपस ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਜੀਵ ਵਧਵਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਲੰਧਰ।